नमस्कार, मैं आरती यादव। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस टाइम सीपी नेट या सैफई पैरामेडिकल की काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन करा लिया था, कुछ ऐसे भी हमारे स्टूडेंट्स भी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाया, लेकिन अब रजिस्ट्रेशन होना बंद हो गए। अब आप नेक्स्ट राउंड का वेट करिए। नेक्स्ट राउंड कब होगा हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर सबसे बड़ा डाउट ये है आपका, मैंने शाम को एक वीडियो बनाई थी तो उसमें एक नया ऑप्शन ऐड किया गया है डिसीजन मेकिंग नाम से। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करते तो आपके वहाँ पर योर सिलेक्शन लिख के आता है। तो इस योर सिलेक्शन का क्या मतलब है, क्या आपको सीट मिल गई है और नहीं मिली क्या हुआ, आगे हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जो बच्चे रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं 500 रुपये देके, क्या उनको हर बार रजिस्ट्रेशन कराना होगा, हर बार 500 रुपये देने होंगे, तो ये भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे आगे की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे, वो भी सटीक जानकारी के साथ। तो सबसे पहले हम क्लियर कर देते हैं कि आपको हर बार क्या 500 रुपये देने होंगे या नहीं देने होंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि CP NET 2023 की मेरिट में स्थान प्राप्त करने के लिए बधाई। अगली प्रक्रिया में ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु लॉगिन पैनल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन शुल्क 500 रुपये जमा करते हुए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आपको रजिस्ट्रेशन जरूर कराना है यदि आप काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हैं। बिना रजिस्ट्रेशन के आप काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते, यानी कि आपकी आगे की प्रक्रिया नहीं होगी कोई, ठीक है। और यह रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन काउंसलिंग के विभिन्न राउंड, जो भी राउंड होंगे यहाँ पर, फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड और मॉप अप राउंड सहित में प्रतिभाग करने हेतु एक आवश्यक प्रक्रिया है। यानी कि आपको यदि आगे के राउंड में भी भाग लेंगे तो आपको यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन कराना होगा। साथ ही साथ आपको प्रत्येक राउंड में 500 रुपये जो है वो नहीं देने होंगे। आपको हर बार 500 रुपये नहीं देने होंगे, एक बार आपको रजिस्ट्रेशन कराना, उसके बाद आगे के जो भी राउंड होंगे आप उनमें भाग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक ही बार आपको रजिस्ट्रेशन के 500 रुपये देने होंगे, ये चीज आपको पता चल गई है, ठीक है। आगे क्या होगा वो आपको बता दिया जाएगा जैसे ही आपको सीट मिलेगी। आपको फिर क्या करना होगा ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। अब चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। अपनी ID को लॉगिन करके देखते हैं आपका योर सिलेक्शन जो ऑप्शन आ रहा है उसका क्या अर्थ है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये क्लिक हेयर इस पर ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, क्लिक हेयर टू लॉग इन ID। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये नया पेज खुल के आएगा। इसमें आपको अपना कैप्चा भरना होगा और साथ ही साथ ID और पासवर्ड भर देना है। तो चलिए हम आप, तो देखिए जैसे ही आप अपनी पासवर्ड ID और उसमें कैप्चा भरने के बाद लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ये चार ऑप्शन आएंगे, पर्सनल डिटेल्स का, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन, डिसीजन मेकिंग और स्कोर कार्ड का। तो आपको क्या करना है, डिसीजन मेकिंग ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से फेस आ रहा है, जिसमें बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट है क्या मैम मेरा यहाँ पर सिलेक्शन हो गया, यहाँ पर लिखकर आ रहा है योर सिलेक्शन, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया या नहीं हो गया, सीट आपको मिली या नहीं मिली, कैसे पता करें। तो आप यहाँ पर जैसे ही रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करने के बाद आपको यहाँ एक योर सिलेक्शन के सामने एक आपको ऑप्शन दिखेगा प्लस का, उसी प्लस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि आपको सीट मिली या नहीं मिली है। तो चलिए हम आपको करके दिखा देते हैं। तो देखिए जैसे ही आप उस प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये नया पेज खुल के आएगा, बाहर लिखा होगा आवंटित पाठ्यक्रम विवरण और आपका चरण। तो गोल यहाँ पर जो आपका इस चरण में कोई कॉलेज आवंटित नहीं किया गया है, यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि इनको कोई सीट नहीं मिली। यदि आपको सीट मिली होगी तो आपको यहाँ पर लिखा होगा, ठीक है। आप समझ गए बात को कि सीट मिली या नहीं मिली कैसे पता करें, तो मैंने आपको बिल्कुल क्लियर करके बता दिया। जब आप योर सिलेक्शन के सामने प्लस का ऑप्शन आता है वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुल के आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपको सीट मिली या नहीं मिली। मिल जाए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कौन सी सीट मिली, क्या उस पर लिख के आ रहा है, और साथ ही साथ आगे की प्रोसेस क्या होगी ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको से मांगे जाएंगे, जो भी आगे की जानकारी होगी वो आपको लगातार मेरे द्वारा मिलती रहेगी, वो भी सटीक जानकारी के साथ। तो वीडियो को आप सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।